जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है तो अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों बता दें कि हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं मिल रहा है, तो आज इसको लेकर के हमारे भारत की सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि हमारे भारत की सरकार ने एक और रसोई गैस सिलेंडर पर खुशखबरी जारी किया है। तो आइए आज दोनों बड़ी खुशखबरी के बारे में मैं आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप भारत के चाहे किसी भी जैसे आते हैं और अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है तो फिर इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ एकदम अंत तक और पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए सीधे बात करते हैं बड़ी खबर की। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी आगे रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सिंपल तरीके से और आसानी से मिल जाया करेगी। दोस्तों बता दें आपको कि हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में अभी भी गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आज हमारे भारत की सरकार ने आपके लिए एक नई सर्विस और एक नई प्रोवाइडर जारी किया है जिसकी मदद से आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने गैस की सब्सिडी का पूरा पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें कि मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो वो आपके टॉप एंड राइट कॉर्नर में, जी हां दोस्तों आपके ब्राउजर के टॉप एंड राइट कॉर्नर में आपको माई गैस का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसी पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके गैस के पासबुक पर जो आपका 17 डिजिट का आईडी नंबर होता है वहां पर फिल करना होगा। और जैसे आप आईडी को फिल करके सबमिट करेंगे वैसे दोस्तों आपके सामने पूरा ब्यौरा यानी कि पूरा इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। और जिस भी कारण से आपकी गैस की सब्सिडी आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से उसकी शिकायत कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने टोल फ्री नंबर है 1800233355। दोस्तों आप जैसे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे तो आपका सीधा नंबर गैस के डिस्ट्रीब्यूटर पर जाएगा और वहां पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपको कैसे सबमिट करना है। और इसके साथ ही साथ आप गैस के बारे में हर एक जानकारी इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं, तो है ना काफी अच्छी खबर। और दोस्तों बता दें कि हमारे भारत की सरकार ने आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी जारी किया है। दोस्तों बता दें कि अगर आप पेटीएम का यूज करते हैं तो अगर आप पेटीएम से अपने रसोई गैस सिलेंडर को बुकिंग करते हैं तो जो सिलेंडर अभी आपको 900 का पड़ रहा है, 850 का पड़ रहा है, वही सिलेंडर आपको 634 रुपए का पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हमारे भारत की सरकार ने आपके फरवरी महीने तक, जी हाँ दोस्तों 28 फरवरी 2022 तक समय दिया है। अगर आप 28 फरवरी 2022 तक पेटीएम से बुकिंग करते हैं तो वो आपको 634 का मिलेगा, अगर आप किसी अन्य तरीके से बुकिंग करते हैं तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये कुछ हमारे भारत की सरकार ने आज रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के अपडेट जारी किया था, जो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपके मन में रसोई गैस सिलेंडर से रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट या कोई भी सवाल या जवाब हो तो वो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह रसोई गैस सिलेंडर का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलता है एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।